नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और फोन प्लस की एक और नई वीडियो में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे अनबॉक्सिंग Realme X2 के ग्रीन कलर का, जो कि 64 मेगापिक्सल कैमरे में आ रहा है। तो अनबॉक्सिंग करेंगे और अनबॉक्सिंग तो फिलहाल आपने बहुत सारे देखे होंगे, X2 के बहुत सारे अनबॉक्सिंग देख चुके होंगे, क्योंकि बहुत दिन पहले ये फ़ोन आ चुका है। मेरा मकसद खाली अनबॉक्सिंग करना नहीं है, इसका जो पिक्चर क्वालिटी है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जो फ़ोन अभी यूज़ कर रहा हूँ 25 मेगापिक्सल वाला फ़ोन है और बजट भी लगभग सेम है। अभी भी वो फ़ोन जो मैं यूज़ कर रहा हूँ 17,000 से 18,000 रुपये में आपको मिल जाता है, सेम प्राइस आपको Realme X2 का है। तो लास्ट में मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊँगा दोनों फ़ोन का, Realme X2 का 64 मेगापिक्सल वाला और मेरा जो फ़ोन है 25 मेगापिक्सल वाला, दोनों का फ़ोटो मैं कंपेयर करूँगा 4-5 फ़ोटो से, उससे आपको पता चल जाएगा किसका क्वालिटी कितना अच्छा है। आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा, देख के मुझे जो लगा मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि आप मेरे ऊपर उल्टा कमेंट करेंगे कि आप तो इस ब्रांड को सपोर्ट कर रहा है, उस ब्रांड को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन मैं किसी भी ब्रांड का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। जो रियल फैक्ट है मैं आपको वही दिखा रहा हूँ, बता भी नहीं रहा हूँ, आप देख के खुद पता चल जाएगा आपको। तो ये है Realme X2 का ग्रीन कलर, देख सकते हैं कलर काफ़ी अच्छा है, दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है और काफ़ी चॉकलेटी लुक है इस फ़ोन का, बिल्कुल एक चॉकलेट की जैसा लग रहा है। बहुत ही शाइनी है, बैक साइड जो है बहुत ही शाइनी है और हरा भरा कलर है, बहुत ही पसंद है मुझे, तो बहुत पसंद है ग्रीन कलर, क्योंकि हमारी जो नेचर का कलर है वो ग्रीन ही है, इको फ्रेंडली कलर है बोल सकते हैं आप। तो हमारा मोबाइल जो है Realme X2 ऑन हो चुका है, तो ज़्यादा टाइम यहाँ पर नहीं लेंगे, सीधा चलते हैं हम कैमरे की तरफ, क्योंकि स्पेसिफिकेशन के बारे में आपको पता ही होगा, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, बॉक्स के पीछे भी लिखा होता है पूरा स्पेसिफिकेशन, तो स्पेसिफिकेशन आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको कुछ स्पेसिफिकेशन बताने वाला हूँ नहीं, चलिए सीधा चलते हैं, हम कैमरा ऑन करते हैं और देखते हैं कंपेरिजन। तो ये कैमरा जो है बिल्कुल ऑन हो चुका है, आप देख सकते हैं नीचे वीडियोज़ फ़ोटोज़ का मोड है, आप स्वाइप करके चेंज कर सकते हैं फ़ोटोज़ में वीडियोज़ में, और यहाँ पे कुछ माइक्रो फोटोग्राफी वाइड एंगल कैमरे का सारा ऑप्शन है, 64 मेगापिक्सल यहाँ पे ऑन कर सकते हैं। तो देख सकते हैं अभी मैं नेचुरल लाइट कंडीशन में हूँ, अभी कोई आर्टिफिशियल लाइट नहीं जल रहा है, जो नेचुरल लाइट है उसी में मैं शूटिंग कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं फ़ोटो का क्वालिटी अभी आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि नेचुरल लाइट कंडीशन में है, अभी पता नहीं चलता है, क्योंकि 24 मेगापिक्सल हो या फिर 64 मेगापिक्सल सारे बिल्कुल सेम ही लगते हैं, नेचुरल लाइट में अच्छे ही आते हैं। अभी जो मैं आपको कुछ फ़ोटोज़ दिखाने वाला हूँ वो है मेरा जो कैमरा है, मोबाइल है सैमसंग गैलेक्सी A50 25 मेगापिक्सल का कैमरा है और इसके साथ Realme X3 का 64 मेगापिक्सल, दोनों को मैंने एक साथ रखा और कुछ फ़ोटोज़ लिए हैं। अभी चलिए मैं दिखाता हूँ, चाहे उस फ़ोटोज़ को आप देखिए, दोनों में नीचे वाटर मार्क है, लेफ्ट साइड का जो है वो आपका Realme X2 का है, राइट साइड का जो है सैमसंग गैलेक्सी A50 का है। तो रिजल्ट आपके सामने है, ये जो सारे पिक्चर्स मैंने इवनिंग के टाइम लिए हैं, तो आप लोग कमेंट जरूर करिए कि कौन सा पिक्चर आपको अच्छा लग रहा है, रियल लग रहा है, क्योंकि मैं कुछ नहीं कहूँगा कि मैं किसी एक ब्रांड के बारे में बोलूँगा तो दूसरे ब्रांड का फ़ोन जो यूज़ कर रहा है शायद इसको बुरा लग सकता है, तो मैं किसी का दिल दुखाना नहीं चाहता। तो आप लोग ही कमेंट करिए और बताइए कि कौन से फ़ोन का पिक्चर आपको अच्छा लग रहा है, दोनों अच्छा है लेकिन कुछ कुछ डिफरेंस है, एक है 64 मेगापिक्सल लेकिन 25 मेगापिक्सल जो कि बहुत ज़्यादा गैप रखता है और उसके हिसाब से क्वालिटी भी होना चाहिए। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा किस फ़ोन का पिक्चर क्वालिटी आपको अच्छा लगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।